कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप ये देख रहे हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सितंबर 18 से लेकर सितंबर 24 तक के जजमेंट्स 2022 के, जो कि आपकी मदद करेंगे क्लैट पीजी 2023 के लिए स्पेशली और किसी दूसरे लॉ एग्जाम। तो आइए, चलिए मैं आपके साथ ऑलमोस्ट 9 से 10 केसेस डिस्कस करूंगा। पहला केस हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसवीर सिंह का केस। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू अ वुड बी अक्यूज्ड। अगर भाई कोई वुड बी अक्यूज्ड है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दें बिफोर अ कंप्लेंट इज मेड अंडर सेक्शन 195 या 340 ऑफ सीआरपीसी। क्या है ये, आगे चलेंगे हम कि सेक्शन 340 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 195 किस बारे में बात करता है। तीन जजेस की बेंच थी, जस्टिस संजय किशन कौल थे, जस्टिस अभय एस ओका थे और जस्टिस विक्रम नाथ मौजूद थे। ये जजमेंट जो है, ये जो जो केस है, वो दो जजेस की बेंच द्वारा इन तीन जजेस को रेफर किया गया था। इश्यूज क्या क्या थे साहब? लिखा है वेदर सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी मैंडेट्स अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। क्या सेक्शन 340 मैंडेट करता है कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी? क्या पहले कोई इंक्वायरी की जानी चाहिए और पहले कोई क्या है अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए जो एक अक्यूज होने वाला है उसको कंप्लेंट करने से भी पहले, मतलब अभी कंप्लेंट हुई नहीं है पर फिर भी उसको क्या हम जो है अपॉर्चुनिटी दे दें सुनने की, हियरिंग की, जो कंप्लेंट सेक्शन 195 के अंडर की गई। अब सेक्शन 195 किस बारे में बात करता है? नीचे लिखा हुआ है इट टॉक्स अबाउट प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। भाई पब्लिक सर्वेंट की किसी आपने अथॉरिटी को आप कंटेम्प्ट किया है फॉर ऑफिसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफिसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन एन एविडेंस। तो इसके खिलाफ भी कोई कंटेम्प्ट है आपके ऊपर, उसमें अगर आप पर कोई कंप्लेंट हुई है तो क्या हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कंप्लेंट से पहले। 340 बात करता है कि भी कौन सा प्रोसीजर जो है इसमें अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और दूसरा इशू था दैट इज व्हाट इज द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ सच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब ये जो केस है जो रिफर किया गया है, इसमें हुआ क्या कि भाई जो कन्फ्लिक्ट आ रहा था दो प्रीवियस जजमेंट्स के बीच, कौन कौन से जजमेंट्स थे भाई? दोनों ही दो जजमेंट्स जो दोनों ही हैं वो तीन तीन जजेस की जजमेंट थी। एक है प्रतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और दूसरी है शरद पवार वर्सेस जगमोहन दालमिया। अब ये 2002 का है, ये 2010 का है, याद रखना। बहुत बार पूछ लेते हैं कि बताओ ये जजमेंट कौन सी दे रखी है, तो प्रतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और ये शरद पवार वर्सेस जगमोहन दालमिया। और इस केस का क्या नाम है? इस केस का नाम है साहब स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसबीर सिंह। ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसबीर सिंह का केस। क्या था, आगे बढ़ा जाए तो इस जजमेंट में आया कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट क्या था, इस प्रतीश सिंह वाले केस में तो कोर्ट ने कहा कि भैया कोर्ट जो है ऑब्लाइज नहीं है टू मेक अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑन अ कंप्लीट, बट इफ द कोर्ट डिसाइड्स टू सो इट शुड मेक अ फाइनल सेट ऑफ फैक्ट्स व्हिच इज एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट द ऑफेंस शुड बी फर्दर प्रूव्ड। भाई अगर वैसे तो ऑब्लाइज्ड नहीं है कोर्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के, लेकिन अगर कोर्ट डिसाइड करता है तो फाइनल सेट ऑफ फैक्ट्स को वो जो है बना सकता है जो कि जरूरी है जस्टिस के इंटरेस्ट। मतलब यहां पर ये तय हुआ कि हाँ भैया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है। शरद पवार के केस में क्या हुआ, ये देखा गया कि ये नेसेसरी है टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एज कंटेम्प्लेटेड अंडर सेक्शन 340। तो भैया यहाँ पर था कि हाँ भैया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है बड़ी जरूरी है एंड ऑल्सो टू अफोर्ड, किस लिए जरूरी है, टू अफोर्ड एन ऑपर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड टू द डिफेंडेंट। सेक्शन 340 के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बड़ी जरूरी है, करनी चाहिए। अब इनको जो है आंसर करते वक्त बेंच ने कहा कि भाई शरद पवार का जो केस है ना वो सिर्फ एक ऑर्डर है, जजमेंट नहीं है। तो आगे वार्तालाप हुई कि भाई तो जजमेंट और ऑर्डर के बीच डिफरेंस क्या है। अब देखिए जजमेंट और ऑर्डर के बीच डिफरेंस क्या है, लेकिन एक ऑर्डर तो है ना दिया जाता है एक फैक्चुअल सिनेरियो में, यानी उस पर्टिकुलर केस के लिए, बल्कि जो जजमेंट है वो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ
ले डाउन करती है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये कौन से केस में आया है, किसका केस है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसवीर सिंह का केस है, ठीक है। और इसमें दो जजमेंट्स कौन कौन सी रिफर की गई है, एक प्रतीश सिंह और एक शरद पवार। तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस क्या लिखा था ऊपर, जसवीर सिंह, क्या लिखा था ऊपर, जसवीर सिंह, ठीक है, जसवीर सिंह। और दूसरा रेफर जो जजमेंट की गई है वो प्रतीश की गई है, और दूसरी जजमेंट जो रेफर की गई है वो शरद पवार वाली की गई है, शरद पवार वाली की गई। तो शरद, प्रतीश और स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसवीर सिंह का ये केस, ठीक है। चलिए, ये जो है अभी पेन हमारे हाथ में लगता है बैठा नहीं है, इस वजह से हमें हो रही है दिक्कत, नया पेन है और ये हमारा बोर्ड भी नया नवेला था। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला केस जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है आपका पांच जिसका बेंच का केस, पांच जज बेंच को रेफर किया गया है, किसने किया है, तीन जज की बेंच ने किया है अभी, और क्या टाइटल है, इन रे फ्रेमिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग पोटेंशियल मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस टू बी कन्वर्ट व्हाइल इम्पोजिंग डेथ सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस इम्पोज करते टाइम कौन कौन से मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस को देखना चाहिए और इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस बनानी चाहिए, वो एक केस है। किस रेफर किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू यू ललित, जिन्होंने अभी शपथ ली है कुछ दिनों पहले, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और सुधांशु धुलिया साहब ने इसको रेफर किया है। कहा है कि यहाँ भी जो है, अरे देखो भाई फिर से कंफ्लिक्टिंग जजमेंट आ गई, ऊपर भी दो तीन प्रतीश और शरद वाली स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज जसवीर में, और यहाँ फिर से आ गई। लिखा है कि कंफ्लिक्टिंग जजमेंट थी कौन कौन सी, पहली तो बच्चन सिंह, बड़ी फेमस जजमेंट, आपको खूब सारे एमसीक्यू मिलते हैं बच्चन सिंह के नाम से, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्टरिंग किसने दी, बच्चन सिंह ने दी थी। लिखा है कि रेयरेस्ट, ये जो बच्चन सिंह का केस है इसमें जो मेजोरिटी जजमेंट था उसने अपहेल्ड किया था, क्या अपहेल्ड किया था, डेथ सेंटेंस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, किस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे कि भैया केस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होना चाहिए। अब जजमेंट जो मेजोरिटी थी बच्चन सिंह ने, उसने इस बात को बोला कि कन्वेक्स को एक सेपरेट हियरिंग करवाई जाएगी to urge why capital sentence ought not to be resorted, यानी capital sentence दी जाए उनको, death sentence दी जाए उनको, इस पर एक separate hearing करवाएंगे bench ने। तो bench ये जो इस बात को जो है आगे cases में भी follow किया गया, संता सिंह, मुनियप्पन सिंह, मुनियप्पन के केस में, और मलकियत सिंह, और ये और कोई नहीं, आगे कोई और नाम नहीं। फिर कोर्ट लेकिन कहती है अभी कि कोर्ट जो है इन जब जजमेंट्स को कोर्ट ने पढ़ा तो कोर्ट ने ये पाया कि अगर सेम डे सेंटेंसिंग हो जाए ना डेथ सेंटेंस की तो भी कोई गलत नहीं है, इट डज नॉट फॉल फाउल ऑफ सेक्शन 235 ऑफ सीआरपीसी। फिर कोर्ट ने कहा भैया एक दूसरा जजमेंट है, ऊपर तो क्या हुआ कि ऊपर के केसेस में यानी बच्चन सिंह में अलग से एक हियरिंग की बात हो रही थी, ठीक है, अलग से एक हियरिंग की बात हो रही थी। फिर आया दागदू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, ये भी तीन जन बेंच का केस है, इसमें कहा कि द एक्शन ऑफ द कोर्ट सेंटेंसिंग एन अक्यूज्ड ऑन सेम डे एज कन्विक्शन इटसेल्फ वुड नॉट विशेट द सेंटेंस। इसमें बोला गया कि भैया सेम डे आप उस इंसान को फांसी पर चढ़ा सकते हो अगर उसने कुछ ऐसा जुर्म किया है। तो ये पढ़ क्या रहे, इन रे वाला जो है केस पढ़ रहे हैं, इन रे वाला ये केस पढ़ रहे हैं, खुद से सुप्रीम कोर्ट ने सुम मोटो कॉग्निंस लिया होगा, और इसमें दो जो है जजमेंट आ गई एक दूसरे के विरुद्ध। अच्छा आगे चलिए, इस कोर्ट इस केस के बारे में पढ़ा जाए तो लिखा है द कोर्ट स्टेटेड दैट द प्रेजेंट सुम मोटो पिटीशन वॉज इनिशिएटेड नोटिसिंग द लैक ऑफ अ यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क, भाई लैक है, कमी है यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क की, इन रिगार्ड of separate hearings in death penalty matters. Death penalty के matters में अलग अलग जो है मामले आ जाते हैं तो uniform framework की बड़ी कमी है. It took into account the case of Manoj and others versus state of Madhya Pradesh. ठीक है, तो मनोज साहब का एक केस था जहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ियाँ दिखी होंगी, और क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पर इस केस में ही बोला गया कि social environment, age, educational level, convict
कोई ट्रॉमा फेस करके आया है क्या, घर में फैमिली सर्कमस्टेंस क्या थे, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन उसका, और पोस्ट कन्विक्शन कंडक्ट कैसा है उसका, ये सारी बातें देखनी चाहिए, रेलेवेंट फैक्टर्स हैं पेनल्टी देने से पहले। मनोज साहब का केस है ये, ठीक है, कितनी बातें बोल दी, बहुत सारी बातें बोल दी, 1, 2 और ये है 3, ये है 4 ट्रॉमा वाली, 5 फैमिली के सर्कमस्टेंस, 6 साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशन, और ये हो गया 7 बात, 7 बातें बोल दी साहब, 7 फैक्टर दे दिए मनोज साहब के केस में, 7 बातें देखनी है मेरे ख्याल से। कहीं मैंने एमसीक्यू शायद ये देखा भी था कि कितनी बातें बोली गई इस केस में, तो 7 बातें बोली गई। अगला केस देखते हैं, अगला केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का केस है। अच्छा, सवाल ऐसे भी आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है कि सिर्फ दिल्ली लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, तो इस बात पे ध्यान रखना कि तिरुमति फ्रेग्रेंसेस लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है। इसमें सीधी बात, नो बकवास में बोले तो लार्जर बेंच जजमेंट प्रिवेल करेगी, भले ही कितने ही नंबर ऑफ जजेस मेजोरिटी में हो। मान लेते हैं कि एक था सात जज की बेंच का जजमेंट, ठीक है, एक था हमारी सात जज बेंच का जजमेंट। अब इसमें जो है 4:3 के रेशियो से जो है कोई जजमेंट आई। अच्छा, कोई था हमारा मान लीजिए 5 जज बेंच का जजमेंट, और इसमें जो है पांचों के पांचों जज हित में थे, तो इसको माने, इसमें तो 5 जज के बेंच, 5 जज साहब मौजूद हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 ने मिलके जो है वो जजमेंट दी है, तो इसको माने कि इसको माने। इस केस में बोला गया त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबूदार, खुशबू आ रही होगी साहब, तो इसके केस में ये बताया गया, जजेस ने ऑब्जर्व किया, रूलिंग दी कि आप 7 जज की बेंच का जजमेंट मानेंगे। अब कौन कौन थे इसमें 5 जज की बेंच में, कौन थे जिन्होंने ये त्रिमूर्ति के केस में है कौन कौन, तो जस्टिस इंदिरा बनर्जी मौजूद हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता मौजूद हैं, जस्टिस सूर्यकांत मौजूद हैं, MM सुंदरेश मौजूद हैं, सुधांशु धूलिया मौजूद है, ऊपर भी किसी केस में सुधांशु धूलिया मौजूद थे। इन्होंने बोला आर्टिकल 145 क्लॉज 5 के तहत कंकरेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ द जजेस एट द हियरिंग विल बी कंसीडर्ड एज अ जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। आर्टिकल 145, आर्टिकल 145 है रूल्स ऑफ कोर्ट। अब रूल्स ऑफ कोर्ट में आर्टिकल 145 का क्लॉज 5 ये बात करता है कि नो जजमेंट एंड नो सच ओपिनियन शैल बी डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट सेव द अकरेंस ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द जजेस प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ केस बट नथिंग इन दिस केस शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ जज हु डज नॉट कंकर फ्रॉम डिलीवरिंग अ डिसेंटिंग जजमेंट और अपील। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, केस यही है त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। कौन प्रिवेल करेगा? बड़ी बेंच वाला जजमेंट प्रिवेल करेगा, भले ही कितने भी उसमें नंबर हो। चौथा केस जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, दैट इज ऑफ शरवी पोनस्वामी। ये शरवी पोनस्वामी एक ट्रांसजेंडर हैं, और ये जो है इनको जो है मना कर दिया गया, कैबिन क्रू की पोजीशन इनको नहीं दी गई, किसमें नहीं दी गई, एयर इंडिया द्वारा इनको ये पोजीशन नहीं दी गई ओइंग टू हर जेंडर आइडेंटिटी। ऐसा एयर इंडिया नहीं बोल रहा है, पर ऐसा इनका बोलना है कि भाई इनको जो है इस वजह से जॉब नहीं मिली है, ये पोजीशन नहीं मिली है। बेंच में कौन है साहब? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड हैं और हेमा कोहली हैं। उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर दिया, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा गया, इन कंसल्टेशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस टू डिवाइस अप्रोप्रिएट पॉलिसी वर्क। भैया एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी वर्क फ्रेमवर्क बनाओ ना, किन के किस आधार पे बनाओ? भाई 2019 का ये एक्ट है, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 एक्ट, बस इसी वजह से ये जजमेंट इम्पोर्टेंट हो जाती है कि भाई आखिर कौन से एक्ट की बात हो रही है। तो ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 की बात हो रही है। 10 जनवरी 2020 को ये इफेक्ट में आया था, और अभी तक कोई ऐसे लॉज फ्रेम नहीं हुए हैं, तो इसके लिए भी फटकार लगाई या पूछा गया कि कब बनाओगे। 3 महीने का समय मिला है कि जो है कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करो इसके रिगार्ड में। ये एक्ट क्यों बना था? तो भाई ये एक्ट करता है, दिस 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 एक्ट यहाँ पे लिखा होगा, दिस एक्ट प्रोवाइड्स ट्रांसजेंडर पर्सन्स या हेल्प्स देम इन सीकिंग रिकोर्स टू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गेन करने के लिए मदद करता है ये एक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला केस डिस्कस करते हैं, 5वें नंबर का, विच इज स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस, आप कीजिए ये भाई साहब थोड़े ऊपर चले गए, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस
आनंद किंदु साहब का केस है, यहाँ भी तीन जज की बेंच मौजूद है, जस्टिस संजय किशन कौल मौजूद हैं, जस्टिस अभय एस ओका मौजूद हैं, जस्टिस विक्रम नाथ मौजूद हैं, विक्रम नाथ ऊपर भी कहीं आए थे शायद। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट भाई फिक्स्ड टर्म सेंटेंसेस एक्सीडिंग 14 इयर्स कैन बी अवॉर्डेड इन अप्रोप्रिएट केसेस टू स्ट्राइक डेलिकेट बैलेंस बिटवीन विक्टिम्स प्ले एंड फॉर जस्टिस एंड रिहैबिलिटेटिव जस्टिस फॉर कन्विक्ट्स। तो भाई जहां मामला कुछ अजीब सा हो वहां पर इनको कोर्ट बोल रही है, जज जज साहब बोल रहे हैं कि वहां पर आप क्या कर सकते हो, एक सेंटेंस फिक्स कर सकते हो, कुछ साल की कैद फिक्स कर सकते हो, किस चीज के लिए, रिमिशन के लिए भाई, कि इतने साल की सजा तो इनको होके रहेगी, रिमिशन उसके बाद सोचा जाएगा, उससे पहले रिमिशन नहीं हो सकता। तो इसमें क्या हुआ था कि भाई एक हस्बैंड वाइफ थे, अच्छे खासे, ये लिखा हुआ मेजर जनरल कैलाश चंद्र ढिंगरा, केसी ढिंगरा और उनकी वाइफ थे, ये इनको जो है मार दिया गया अक्यूज द्वारा जब वो सो रहे थे वो दोनों। तो हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी थी डेथ सेंटेंस इनकी और एक लाइफ सेंटेंस इन पर, अच्छा सॉरी, हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था कंफर्म करने के लिए डेथ सेंटेंस को, और लाइफ सेंटेंस इन पे जो है इम्पोज कर दी गई थी। अब आगे हुआ कि अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि भाई कुछ किया जाए, ये सबमिट किया गया कि देयर शुड एटलीस्ट बी अ फिक्स्ड टर्म सेंटेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल की इनको एक फिक्स्ड टर्म सेंटेंस इम्पोज कर दी। ठीक है, लिखा है शंकर किशन राव खाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 का केस है। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं आप अगर ना भूले हो तो, हम पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस आनंद किंडू का केस। ठीक है, आनंद किंडू का केस, तो भाई किंडू साहब को याद रखिएगा। इसमें अब शंकर किशन राव खाड़े वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 का रेफरेंस दिया गया। इसमें ये हेल्ड हुआ कि अगर कोई सर्कमस्टेंस ऐसा है जो कि फेवर कर रहा है अक्यूज को, जैसे कि इंटेंशन की कमी है कमिट करने के लिए क्राइम, या रिफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, सुधर सकता है साहब, बच्चा है, यंग एज का है, अक्यूज्ड नॉट बीइंग अ मेनेस टू द सोसाइटी, यानी सोसाइटी में उछल कूद हंगामा फंगामा नहीं मचाता है, कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उसका, तो अक्यूज्ड मे अवॉइड कैपिटल पनिशमेंट। द कोर्ट ओपाइंड दैट द क्राइम इज नॉट इंपॉर्टेंट बट सो इज द क्रिमिनल एंड हेंस द सुप्रीम कोर्ट इन रीसेंट पास्ट has substituted death penalty with fixed term sentences exceeding 14 years. तो 14 साल से ज़्यादा वाले केसेस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट जो है कर देता है कि करना चाहिए उसको। तो ये जजमेंट यहाँ पर है कि भैया फिक्स टर्म होना चाहिए, यहाँ पर 30 साल का फिक्स टर्म कर दिया गया जिससे पहले रिविजन नहीं मिल पाएगा बेचारे को। नहीं बेचारा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, माफ करें। उसके बाद हरभजन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का केस आया। तो भाई नाम अच्छा खासा है, आप याद रख सकते हैं, हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस आया, नहीं इंसान ये वो नहीं। सुप्रीम कोर्ट बेंच में मौजूद थे जस्टिस हिम्मत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ। इन्होंने वैलिडिटी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 की वैलिडिटी को एकदम सही ठहराया है। ये जजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 की बात करता है, बल्कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जजमेंट के जो इश्यूज है वो रिवॉल्व करते हैं आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अराउंड, जो कि रिलीजन से के ऊपर बेस्ड है, फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो भाई जो जो इशू था कि क्या ये एक्ट 2014 का इनको वायलेट करता है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना जी ना वायलेट नहीं करता। फिर सवाल आया कि क्या ये जो हरियाणा के जो एक्ट बना है ये हरियाणा स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर था जिस सब्जेक्ट मैटर पर ये एक्ट बना है, या फिर एंट्री 44 ऑफ लिस्ट 1 यानी सेंटर के अंदर था क्या ये, या फिर लिस्ट 2 के अंदर था जिसमें मतलब सिर्फ स्टेट बना सकता है, या फिर तीसरा इशू आया कि या फिर ये लिस्ट 3 के अंदर था, मतलब आखिर किस लिस्ट के अंदर है ये। तो ये इशू इसमें खड़ा हो गया कि ये लिस्ट 1 के अंदर है, लिस्ट 2 के अंदर है, या लिस्ट 3 के अंदर है। अब लिस्ट 3 के अंदर अगर है तो आर्टिकल 254 क्लॉज 2 के तहत प्रेसिडेंट साहब का असेंट लेना चाहिए था और नहीं लिया था, फिर वो वॉइड हुआ। सवाल ये उठा कि आखिर भैया इस पर कौन जो है कर सकता है, ये लॉ बनाना सही भी है कि नहीं। ठीक है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जी ये जो 2014 का ये लॉ है इस ये किसी भी चीज के खिलाफ नहीं है। इसने और एक और बात कही गई कि 3 और एक्ट थे इससे पहले के जिनके आधार पर ये बोला जा रहा था कि ये एक्ट जो है
वॉइड है, नहीं बनना चाहिए था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तीनों में से कोई सा भी एक्ट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस स्टेट लेजिस्लेचर की लेजिस्लेट करने के लिए उन सब्जेक्ट्स पे जो कि लिस्ट टू में मेंशन किए गए हैं ये नहीं लेता है। मतलब इन तीनों में से इन तीनों ही एक्ट ने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं ली है लेजिस्लेट करने की सब्जेक्ट्स पर। किसके सब्जेक्ट्स पर? लिस्ट टू के सब्जेक्ट्स पर या फिर लिस्ट थ्री के सब्जेक्ट्स पर। इट हेल्ड दैट हरियाणा एक्ट फॉल्स विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट। उन्होंने बोला तो ये जो हरियाणा एक्ट है ना वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट के ही, यानी स्टेट ही उसको बना सकता है। बात क्या थी कि इस एक्ट को बनाया गया है स्टेट द्वारा, ठीक है, और पेटिशनर ने बोला या ये जो इन्होंने केस किया है उन्होंने बोला कि भैया पार्लियामेंट को बनाना चाहिए था इस एक्ट को, तो ठीक है। तो नहीं, क्या हुआ कि स्टेट ने बनाया, स्टेट के अंदर ही ये सब्जेक्ट पड़ता है। कौन सा है? एंट्री लिस्ट है साहब, ये एंट्री टू ऑफ लिस्ट टू है। आपको याद होगा क्लैट ने एक बार एंट्री के इसी साल ही 2022 में ही एंट्री के बेसिस पर एक सवाल पूछा था। तो एंट्री 32 है लिस्ट टू की, जो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टैचुटरी बॉडी की बात करता है। लिस्ट टू की एंट्री 32 क्या कहती है? इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ कॉर्पोरेशंस अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन लिस्ट वन एंड यूनिवर्सिटीज अनइनकॉर्पोरेटेड ट्रेडिंग लिटरली साइंटिफिक रिलीजियस एंड अदर सोसाइटीज एंड एसोसिएशंस को एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये है लिस्ट टू का एंट्री 32, आप याद रखेंगे, ठीक है। केस का नाम ऊपर हम फिर से आपको ले जाते हैं, लिखा है हरभजन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का ये केस है। आगे चला जाए, सातवां केस हमारा है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज ओपी गुप्ता का, ठीक है। ये आसान सा केस है, बस इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि पेंशन रूल को इंटरप्रेट इन फेवर ऑफ एम्प्लॉय किया जाना चाहिए जब एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन मौजूद है। तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज ओपी गुप्ता का ये छोटा सा केस आप ध्यान रखेंगे, और कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। अगला केस है सेवलकर वर्सेज मंजुला का, इसमें जो है लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट पर बात की गई है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट फॉर अट्रैक्टिंग सेक्शन 16 ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976 प्रोसिक्यूशन मस्ट एस्टेब्लिश दैट एन अक्यूज्ड हैज फोर्स्ड एंड कंपेल्ड द विक्टिम टू रेंडर बॉन्डेड लेबर। तो भाई फोर्स किया गया है, कंपेल किया गया है किसको? अक्यूज द्वारा विक्टिम को, क्या करने के लिए? बॉन्डेड लेबर करने के लिए। ऐसा प्रोसिक्यूशन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सेक्शन 16 ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976 के तहत बेंच कौन कौन था बेंच में? तो जस्टिस एस बोपन्ना और पी एस नरसिम्हा साहब बैठे हुए थे। आगे चला जाए, अगला जो केस है देयर इज सोनाधर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ओपाइन किया, उन्होंने अपना जो है मत रखा कि जो भैया 10 साल की सेंटेंस कर चुके हैं जो कैदी, उनको जो है और जिनकी अपील जो है अभी सुनी नहीं गई है और ना ही फ्यूचर में सुनने का कोई स्कोप सा है हाल ही में, उनको जो है बेल पर छोड़ देना चाहिए, अनलेस कोई दूसरे रीजंस नहीं है उनको बेल पर ना छोड़ने का। तो सोनाधर भैया सोने का मामला, ऐसा ध्यान रखिएगा, सोनाधर वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। सोनाधर से याद आया कहीं आप तो सो नहीं गए हैं? तो भैया कहीं आप तो नहीं सो गए, तो ध्यान रखना आपको नहीं सोना है, आंखें खुली रखो, ठीक है, आपका मुस्कुराते रहो। 2023 का क्लैट पीजी 18 दिसंबर को आ रहा है आपका टेस्ट लेने कि आप कितना सोए हो कितना नहीं। और वो कमेंट है ना, एक न्यूज़ आती थी, चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो भैया अगर आपको चैन से सोना है 2023 के बाद तो जाग जाओ। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम कि भाई डिवीजन बेंच कौन थे, यहाँ पर जजेस कौन कौन थे। तो संजय किशन कौर और अभय श्रीनिवास कुका, केस क्या है? सोनाधर वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का, ठीक है। आगे चला जाए, भारत संचार निगम वर्सेस टाटा कम्युनिकेशंस का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं और या सर्कुलर है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं हो सकता। यानी आपने बनाया अभी है और जो है आप बोल दो कि नहीं नहीं बनाएंगे हम 2013 में, लेकिन अप्लाई होगा 2009 से, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये BSNL से जुड़ा हुआ केस है। BSNL ने जो है अपनी कुछ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की जिनका जो है कुछ खर्चा पानी इन्होंने इंक्रीज कर दिया था। इन्होंने बोला था कि क्या कहा गया कि हाँ सर्कुलर जारी तो किया था 2012 को, पर बोल दिया कि भाई 2009 से जो है लगेगा ये।
तो ये जो है बोला गया कि नहीं नहीं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को। किसका केस है? भारत संचार निगम वर्सेस टाटा कम्युनिकेशन का केस है। अगला केस देखो, बड़ा मजेदार सा है, नाम लिखा हुआ है जिम्मी जिम्मी। ऑलराइट, तो जिगर जिमी, जिगर का टुकड़ा है जिमी, तो जिगर एट द रेट जिमी परविन परविन चंद्र आदित्य वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है। तो हमने थोड़ा हंसी मजाक किया, नाम याद रखिएगा जिगर या जिमी परविंदर प्रवीण चंद्र आदित्य वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फेलियर टू प्रोड्यूस अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज फॉर इन्वेस्टिगेशन इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। यानी आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा साहब अगर कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगर टाइम का एक्सटेंशन मांगा जा रहा है और उस मांग को कंसिडर भी किया जा रहा है कोर्ट में और इस चीज की सूचना आपने अक्यूज को नहीं दी, तो आर्टिकल 21 के तहत ये हो जाएगा फंडामेंटल राइट का खनन, वायलेशन। किस केस में बोला गया है? बोला है सुप्रीम कोर्ट ने जिगर जिमी प्रवीण चंद्र आदित्य वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में। इट इज ग्रॉस इलीगैलिटी दैट वायलेट्स द राइट ऑफ द अक्यूज अंडर आर्टिकल 21। That's it, judges. अच्छा, judges कौन कौन है? अजय रस्तोगी और अभय एस। ये हमने जो है डील किया 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के केसेस को, और अपनी राइटिंग के लिए, अपनी खूबसूरत राइटिंग के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। आई मीट यू वाइज नेक्स्ट वीक प्रोबेबली ऑन संडे और मंडे विद द न्यूज विद द लीगल अपडेट्स विद द लीगल जजमेंट्स After 24th September, and thanks for watching. Like कर दीजिए, पसंद आया हो तो share कर दीजिए, अपने क्लैप कीजिए। 2023 की तैयारी शुरू ना की हो तो शुरू कर दीजिए, और शुरू कर चुके हैं तो उसको एक लेवल और ऊपर जाइए, मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए। मैं आपकी कोई सहायता कर सकूँ तो मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। टाटा, बाय बाय, ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।